सिखों की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के साथी तथा पहले कीर्तनी भाई मर्दाना जी का अकाल चलाना दिवस के मौके पर मंजी साहिब हॉल में रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। भाई मर्दाना जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था तथा वह पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के सबसे ज्यादा नजदीकी थे। करीब 75 साल की उम्र में पाकिस्तान के करतारपुर में उन्होंने अपने श्वास त्याग दिया और आज मंजी साहिब दीवान हाल में श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। भाई मर्दाना जी गुरु नानक साहब के संगी साथी सी ते उन्हां नाल रबाब बजाउंदे सी। असल तां जिवें दस्या गया है कि ननकाना साहिब इहनां दा जन्म स्थान सीगा ते गुरु नानक साहब के पहले दिन तो ही उन्हां दा साथ निभाया है तो सारी उम्र उन्होंने कट दी। एक कोई छोटी जी गल नहीं, कोई उन्होंने कड़ा तनखाह मिलती सी, किड़ा कोई रहन नूं थां सी, किड़ा कोई बहन नूं थां सी, शायद वह भी प्रशादे कितों लै लिया के सारे इकट्ठे करते, क्योंकि गुरु नानक एडे बड़े मिशन नूं लैके चले सी। तो जिहड़ा बंदा उन्हों का साथ रहा होवे तो मैं समझना उस मिशन का बड़ा बड़ा भागीदार है तो ये बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि है। साड़ा ये बड़ा चंगा उदम है कि पहली बारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भाई मर्दाना का प्याना दिवस जिन्होंने कहने कि उन्हों की एनिवर्सरी मना रहे हैं तो सच पुछो तो भुल रही है तो अज तो बाद हमेशा ये दिन मनाया जाएगा। मैं विश्वास दिवाना साध संगत को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। देखो उन्हों की किड्डी वड्डी देन है कि दो शब्द महाराज ने भाई मर्दाना के उच्चारण किए हैं गुरु ग्रंथ साहब के। भाई गुरदास जी ने भाई मर्दाना बारे लिखा है जो हमने भाई साहब भी दस रहे थे जी। सो योजा महान आदमी ने विसारना भावें किसी धर्म का सी, भावें मुसलमान से, भावें हिंदू से, भावें कोई सी, उन्हें विसारना तो किसी गलों वाजिब ही नहीं हो सकता। सो मैं अभी बड़ी खुशी है कि अब आप इकट्ठे होकर वो दिन मनाते पे उन्होंने। बिल्कुल जी प्रोग्राम कराए जाएंगे जी, अज का दिन स्थापित हो गया, अज तो बाद प्रोग्राम होंगे रहने।